हाय एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि मैम टाइमिंग क्या रहती है एग्जाम की, कितने टाइम में आपको पेपर अटेम्प्ट करना पड़ता है और क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो बेसिकली आज हम ये बात करेंगे अपनी वीडियो के अंदर में, और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकता है, क्योंकि 2025 में एग्जाम बहुत नियर है और टाइम कम है, तो हर एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। तो सुनो, CUET 2025 तीन चीज में डिवाइडेड है, तीन सेक्शन में डिवाइडेड है। आपका लैंग्वेज सेक्शन हो गया, जनरल टेस्ट हो गया एंड डोमेन हो गया। बेसिकली डोमेन बीच में आता है, फिर जनरल टेस्ट आता है, कोई बात नहीं। चलो ध्यान से सुनो। अब लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज में देखो 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं 50 में से। 50 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से 40 अटेम्प्ट करने रहते हैं और उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स मिलता है। ये आपका लैंग्वेज का हो गया। देन आपका डोमेन आता है। डोमेन में भी आपके 29 सब्जेक्ट्स है, जिसमें से 23 सब्जेक्ट ऐसे है जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस में से 40 अटेम्प्ट करने रहते हैं, उसके लिए भी 45 मिलते हैं। और 6 डोमेन ऐसे है जिसमें से आपको 60 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करना होता है और उसमें से आपकी टाइमिंग मिलती है 60 मिनट्स की। अब वो कौन कौन से सब्जेक्ट है ध्यान से सुनो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ये आपके 5, और 6वां आपका कंप्यूटर साइंस। ये 6 पेपर ऐसे हैं जिसमें से 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करना रहता है और उसके लिए आपको टाइमिंग मिलती है 60 मिनट्स की। लास्ट आता है आपका जनरल टेस्ट, और जनरल टेस्ट में आपको 60 क्वेश्चंस रहते हैं। 60 क्वेश्चंस में से भी 50 आपको अटेम्प्ट करना रहता है, उसमें भी आपको 60 मिनट्स मिलती है। तो आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैम इतना तो पता चल गया, लेकिन टाइम कैसे मैनेज करें? देखो बच्चों, टाइम मैनेज करने का एक ही तरीका, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एवरी डे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अक्टूबर का ऑलमोस्ट हाफ खत्म होने वाला है। अब ये समय निकल जाएगा ना, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए प्रिपरेशन करने में, क्योंकि 12th बोर्ड भी है नवंबर में। हो सकता है आपका प्री बोर्ड हो, या दिसंबर आते आते प्रैक्टिकल हो, फरवरी आते आते बोर्ड्स होना ही होना है। तो आपको बोर्ड्स पे भी और CUET दोनों को फोकस करके चलना है, दोनों को ही साथ लेके चलना है। किसी एक को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो या छोड़ नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही उतने इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर 12th बोर्ड में 99% आ गया, CUET का एग्जाम ना निकला, तो क्या आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। तो इस चीज को रिस्क नहीं लेना है और आज से ही प्रिपरेशन शुरू करना है। अनटोल्ड मैग आपके लिए लेके आया है फाइनली अल्फा बैच, जिसमें से आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर, 1-to-1 मेंटोरशिप एंड मिर्मोय भैया से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है। अगर आपको अल्फा बैच ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पर आपको टेक्स्ट करना है, आपको CUET की प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएगी और आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।